जिम्मेदार जनता, मरे जनता, भुखमरी से भी मरे जनता, महंगाई में पीछे जनता, बेरोजगारी से मरे जनता, उसके बाद पत्रकार साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार है जनता। जब आप आए थे आंदोलन में, नहीं नहीं मैं सीरियस नहीं नहीं हूँ, ये आपको कैसे लगा? यार हमारे देश का जब बात आएगा, जब हमारे देश के इंस्टीट्यूशन पे चोट पहुँचेगा, तो एक जिम्मेदार नागरिक को दुख होगा यार। आप जिम्मेदार नहीं है देश का इंस्टीट्यूशन टूटेगा तो वही तो मैं कह रहा हूँ। जितना आपने सुनिए ना मेरी बात, जितना आपने सवाल सवाल की तरह पूछा, मैंने जवाब जवाब की तरह दिया, और जितना आप गंदा सवाल पूछोगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। आज आपके प्रधानमंत्री से सवाल करने तो कलिंग के पास मैं मेरे गुर्दे में दम है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कहाँ है प्रधानमंत्री? ये सवाल आपका जा रहा है। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं ज्योतिष हूँ, जाएंगे हर जगह, जाएंगे हर जगह, वो हर समाज से समर्थन लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये जब मेरा लाए थे तो मुस्लिम खुश नहीं हुए थे, तो फिर ऐसी हिंदू मुस्लिम वाला क्यों नरेटिव चला रहे हो आप? ये मेरा सवाल है। अच्छा हाँ। अभी क्या लगता है फिर, अभी आज आज का कहीं का प्लान नहीं है इनका, या कहीं जाएंगे? आज तो आज को तो मेरी सुनने में आया कि नहीं है। नहीं है हाँ। अच्छा हाँ। जो अभी तक जो सरकार की तरफ से अभी समिति भंग कर दी गई है, तो अब जब इस्तीफा हो ही गया है, जब तक इस्तीफे की मांग चल रही थी, तो अब उठ जाना चाहिए, क्या लगता है? ये जाके आप उनसे पूछिए, आप भी तो प्रोटेस्टर्स, आप भी तो इनके समर्थक। प्रोटेस्टर्स आपको नहीं पता यार कि जब पक्ष में एफआईआर होती है तो क्या होता है? जब ये नहीं पता है कि गिरफ्तारी होती है ना, हुई क्या, हुई क्या? आप बोलते हो कि कहाँ छुआ, कहाँ पे अंटर टच किया, उसका वीडियो लाओ, ये करो, तो यार आप मीडिया उनसे जाके पूछिए ना, उनकी कमेटी से, कि कलीम है से पूछोगे, उनकी कमेटी से पूछो कि अगर कभी किसी महिला को कोई छेड़ रहा है, अभी मैंने बताया, तो महिला कहेगी क्या कि नहीं भाई आप रुकिए, पहला मैं वीडियो कैमरा लाती हूँ, मेरा शूट कर लीजिए, फिर मेरे को छेड़िए, ऐसा होता है क्या? इस आपकी इस मांग के बीच में सरकार को गिराने में या 2024 में वापसी करवा देंगे, मैं ये कहां से आ कौन होता है? हाँ, कहाँ से आ जाती है ये बातें? कौन कहा है ये? आप ही आप अपने गानों के सहारे आप कह रहे हैं, आप ये नरेटिव आप ये सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, हम जनता है ठीक है, हम जनता क्या करते हैं, जनता है तो जनता सिर्फ क्या अपोज नहीं बोलेगी सरकार के? देखिए यही तो प्रॉब्लम्स है। बताइए, अब मान लीजिए गोदी मीडिया तो पहुंच नहीं पा रही है यहाँ पर, तो उसमें गोदी मीडिया के कुछ दूत भी आ जाते हैं आप जैसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ सवाल करो तो दूत। हाँ हाँ, क्योंकि इस तरह का सवाल ढंग का होना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है, आप कभी नरेटिव हिंदू मुस्लिम का चलाते हो, कभी आप पहलवानों को जिम्मेदार ठहरा देते हो। सवाल क्या गलत है जो मैं कह रहा हूँ? बहुत गंदा है सवाल। आप अपनी मांग के साथ साथ आप नहीं नहीं ये सवाल मैं कौन सा एजेंडा चला रहा हूँ? मैं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मांग रहा हूँ तो एजेंडा है, एजेंडा है तो आपको मैं गुंडा समझता हूँ? आप हमें एजेंडा समझ रहे हैं? अब मीडिया को बहुत मारते हैं, क्या दिक्कत है मीडिया? ना ना ये देखिए, इसी जो इनकी पत्रकारिता है, ये पूरी जनता इन्हें देख रही है, और कमेंट में इनको बताइएगा भाई कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। इसीलिए मैं सामने बैठा हूँ मेरे भाई, अब मेरी हाँ, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे देखिए सुन तो लीजिए आप ही बोलते रहिए। ना ना, क्योंकि आप लोग को बोलने देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका नैरेटिव है ना, वो हमने हमें जनता को नहीं चाहिए, हमें पीसफुल रहना है, भारतीय बनकर रहना है। हम लट लेने नहीं आए भाई साहब, लट नहीं, इससे बड़ा लट कोई है नहीं। ये साला गोली चलाता है। गोली, कितना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, गोली चलाता है तो क्या, क्यों नहीं? किसी को भी गोदी मीडिया बोल देना, किसी को भी। अरे यार आप बताइए ना, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मैं क्या कह रहा हूं, अभी इनको बोल रहे मस्जिद क्यों नहीं जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे, ये क्यों नैरेटिव चला रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात सुनो, मेरा सवाल ये है, अभी आपने कहा सुन तो लीजिए, जितना आपने सुनिए ना मेरी बात, जितना आपने सवाल सवाल की तरह पूछा, मैंने जवाब जवाब की तरह दिया, और जितना आप गंदा सवाल पूछोगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। आज आपके गुर्दे में दम नहीं है प्रधानमंत्री से सवाल करने, तो कलिंग के पास क्यों सवाल करना? आपके गुर्दे में दम है इसलिए आपसे कर रहा हूं। मैं मेरे गुर्दे में दम है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कहाँ है प्रधानमंत्री जी? तो ये सवाल आपका जा रहा है ना, रोक तो नहीं रहे, तो बताइए ना सर, ये मेरा सवाल। आप मेरे, अरे तुमने गोदी मीडिया बता दिया ना, इसलिए मेरा सवाल। आप ही सवाल करोगे तो हम जनता का कुछ अधिकार ही नहीं रहेगा। आपका अधिकार है ना, आप देखिए, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक देश में सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करना सही है? बिल्कुल गलत है, कंडेम कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। ये बताइए कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर जनता अगर सवाल करे तो उसे ही जिम्मेदार ठहराना सही है? किसे कौन ठहरा रहा है जिम्मेदार? नहीं ठहराना चाहिए। मोरबी में हादसा हुआ था, कौन जिम्मेदार हुआ था? नेशनल मीडिया ने बताया था ना, क्या बताया था?
कि जनता जिम्मेदार है, उतना मॉब में चली गई, इतना क्या ठीक है, नहीं आप उसको क्रिटिसाइज करिए, प्रशासन भी तो जिम्मेदारी लेगा नहीं। सुनिए तो क्रिटिसाइज आप करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल मीडिया हो यार, नहीं सुन लो मेरा सवाल सुन लो, आपने कहा ना गोदी मीडिया की आपने बात सुनी, आप क्रिटिसाइज करिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई पत्रकार ठीक है, कोई जर्नलिस्ट यहाँ आती है और उनका सिर्फ इस वजह से बहिष्कार हो जाता है कि उनके चैनल या दूसरे चैनल क्या करें, उन्हें मौका तो दीजिए ना, आप पहले ही बहिष्कार करना शुरू कर दे रहे हैं। बहिष्कार देखिए ना, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाना सही है, मेरी बात सुनेंगे, बताइए अब आप बोलिए। मेरा ये बोलना है, चलिए मान लीजिए कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद बोलना बिल्कुल सही नहीं है, मान लिया तो बताइए प्रधानमंत्री से ये सवाल करना कि आप थकते क्यों नहीं, ये सही है? हम जनता का सवाल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री थक क्यों नहीं रहे, ये पूछना चाहिए, ये आप मुझे जवाब दें। तो आप अभी भी जनता देख रही, आप अभी भी सही तो सवाल कर रहे हैं, आपका अधिकार है सवाल करना, जैसे आपको जवाब देना, आपका कुछ अधिकारी नहीं, आपके कुछ अधिकारी नहीं, जिम्मेदार जनता, मरे जनता, भूखमरी से भी मरे जनता, महंगाई में पीछे जनता, बेरोजगारी से मरे जनता, उसके बाद पत्रकार साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार है जनता। जब आप आए थे आंदोलन में बड़े हंसमुख थे, सीरियस हो गए हो, क्या बात है? नहीं नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ, नहीं हूँ, ये आपको कैसे लगा? बाबू गोरे हो आप ऐसे कह रहे हैं यार, हमारे देश का जब बात आएगा, जब हमारे देश के इंस्टीट्यूशन पे चोट पहुँचेगा तो एक जिम्मेदार नागरिक को दुख होगा यार। लेकिन आप जब आप जिम्मेदार नहीं है, देश का इंस्टीट्यूशन लूटेगा तो हम अपना काम कर, वही तो मैं कह रहा हूँ यार भाई, क्यों आपको आपको बड़ा ये लग रहा है? मेरा यही सवाल है, देश का 17 मीडिया चैनल है नेशनल, तो बताइए उस पर क्या चल रहा है न्यूज, हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम अपनी सवाल किसके पास लेके जाएं तो वही बता दें, वहाँ चले जाएं, युगांडा चले जाते हैं या कहीं पर किसी भी देश का नाम बता दें तो हम वहाँ के प्रधानमंत्री से पूछ के आते हैं, नहीं पूछेंगे हम अपने प्रधानमंत्री से? यही मैं तो कह रहा हूँ, बात समझे कि नहीं? हमारा अधिकार है जनता का, फंडामेंटल राइट्स है यार, तो आप बताइए ना, जैसे बात करते हैं आप तो सीरियस लोग भी कहेंगे यार, मैं सीरियस कर दिया कलीम साहब, सीरियस नहीं होगा तो मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचूंगा तो फिर मेरे बच्चे ना आगे जब मैं वो बड़े होंगे ना तो हमें दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, ये डर है, फिर सवाल पूछेंगे कि हमारे जब भविष्य लूटा जा रहा था तो तू बोल क्यों नहीं रहा था, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा, मेरा ही नहीं मतलब पूरी जनता के पास, इसलिए हम बोल रहे हैं। अमृत काल के सवाल में जवाब ऐसे ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका चेहरा दिखाइए, अरे दिखाइए, वसीम भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मुझे ये बताइए कि 2014 में आजाद हुए थे क्या आप? क्या क्या आजादी 2014 में ही मिली थी? नहीं, ये कंगना रनौत का स्टेटमेंट है, वसीम भाई का नहीं है। नहीं तो मतलब उन्हीं में शामिल थे क्या? अकेला तो कोई देश आजाद नहीं करा सकता, कहने का मतलब ये है क्योंकि देखिए ना सर, ये देश सबका है, क्या पत्रकार हो, सही बात है, क्या साहित्यकार हो, क्या लेखक हो, क्या एक्टर हो, क्या क्रिकेटर हो, और क्या फिर मजदूर हो, क्या किसान हो, क्या जवान हो, ये देश सबका है, अगर देश बचेगा तो हम बचेंगे, और मोदी है तो मुमकिन है का स्लोगन जो चला रहे हैं तो ये नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही बात, शिक्षा चाहिए। और दूसरी बात कि मान लीजिए कि अगर देश की तरक्की का जो पैमाना है, मतलब मापने का जो बुखार नापते उसे थर्मामीटर कहते हैं ना, तो वो है, वो क्या है? अच्छा आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये वो ये है ना, रोजगार, देश से देश की खुशहाली, जनता की खुशहाली, तो जब जनता की खुशहाली पर, जनता के रोजगार पर, जनता के बच्चों के कलम कापी सब पर टैक्स लगाते चले जा रहे हो तो जनता क्या है? मूर्ख है, बोलेगी नहीं, और जब बोलती है तो आप लोग उसको जिम्मेदार ठहराते हो, ये मेरा सवाल है यार। करीम साहब अभी आप एक सॉन्ग के जरिए, गाने के जरिए तंज कस रहे थे, वो हो जाए थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना सर, मेरा ये सॉरी कोई बात, मेरा ये कहना है ना सर कि 2024 में किसी भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी देश में जो है 25 साल 30 साल के लिए हम उसे फेविकोल लगा के कुर्सी नहीं देते हैं, हर 5 साल में चुनाव आता है, और हम देश की जनता जब चुनाव आता है ना तो उसे महापर्व मानते हैं, क्योंकि हमें जो सत्ता ने गलतियाँ की रहती है ना उसको सजा देने का मौका मिलता है, तो इस बार हम जो देश की जनता है हर बूथ पर खड़े मिलेंगे, और यही किस तरह हर हर चौराहे गली पर खड़े रहेंगे और ये कहेंगे
कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरे रुत आई। और आपको पता है कि 14 में हम ही जनता ने उनको यहाँ बिठाया था पलकों पर, तो मैंने उस पर जनता कह रही है, मैं कह रहा हूँ, मैं भी जनता हूँ कि मतलब 2014 में हमने पलकों पे बिठाई, तो मैंने इन मतलब लिखा था कि इन आँखों में मतलब भूल ये रहता कि हाँ इन नैनों की तू है मोती, ते बातें तेरी निकली झूठी, दावा तेरा कोई दावा तेरे में कोई जोर नहीं है, दावे तेरे सब हवाई होती है, जल्दी झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। यही जनता हम हर गली चौराहे से गांव गांव से ये आवाज निकल के आने वाली है। हाँ, और 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का खबर भी आया था, और बाद में वो जियो यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा था मुझे नहीं दिखा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ ना, सुनिए ना, मैं इसलिए वो बात कह रहा हूँ ना क्योंकि इस देश में कापी किताब से लेके, दही से लेके, तेल से लेके, दाल से लेके, आटा से लेके, हर चीज़ पर टैक्स लग रहा है, और जो काल्पनिक मूवी है जो समाज में घृणा फैला रही है उसको टैक्स फ्री कर रहे हो, तो मैं सवाल करूँगा ना। तो BBC पे बैन कर रहे हो, केरला स्टोरी पर भी तो बैन करो। अरे एक तो वो तो प्रोपेगेंडा, खुद आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कह रहे हो कि ये काल्पनिक मूवी है, तो BBC क्या है, काल्पनिक है है ना। तो सवाल तो हम जनता इनसे, ये सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हम 24 में इनसे जो है पूछेंगे। जनता क्या डिमांड कर रही है, जनता काजू का आटा खा रही है, काजू का आटा खा रही है क्या जनता, किसकी जनता नहीं कर रही, ये इन्हीं के लोग हैं जिन्हें डर अब सता रहा है कि सत्ता जाने वाली है।